श्री राधे राधे। भक्तों, आप प्रभु की भक्ति में लगे हैं तो आप जो भी नौकरी करते होंगे या व्यवसाय करते होंगे वो सब में ठाकुर जी आपको अनुभव कराते जाएंगे। आप चाहे किसान हो, चाहे नौकरी वाले हो, चाहे रोजगार वाले बिजनेस वाले हो, बस आपके मन में एक लगन होनी चाहिए कि ठाकुर जी का हूं मैं और मेरे ठाकुर जी हैं। फिर तो आपको कदम कदम पर अनुभव होता जाएगा। और आपने जैसा कल सुना था कि प्रोफेसर माधवलाल जी भगवान श्री सीताराम जी के सच्चे भक्त थे और भक्ति में इतनी सच्चाई थी कि एक दिन वो लेट हो गए कॉलेज जाने में, तो स्वयं ठाकुर जी ने उनकी ड्यूटी दी, रजिस्टर पर साइन भी किया और क्लास में जाकर के स्टूडेंट्स को पढ़ाया भी। और ये उन्होंने प्रत्यक्ष अनुभव कर लिया था क्योंकि वो आए नहीं थे कॉलेज में, आए नहीं थे, घर में थे। और कॉलेज में पता चला कि वो पढ़ाए भी और सिग्नेचर भी किए और कोई मानने को तैयार नहीं कि आप नहीं थे, दूसरा कोई था। सभी लोग ये समझते थे कि ये तो आए थे, कैसे कह रहे हैं कि नहीं आए, किंतु रहस्य तो प्रोफेसर माधवलाल जी जानते थे। ये क्यों ऐसा उनके साथ हुआ? क्योंकि भगवान के सच्चे भक्त थे। सीताराम जी के श्री विग्रह की सेवा पूजा अपने हाथ से करते थे और अपने हाथ से उनको नहलाते धुलाते, उनका श्रृंगार करते, उन्हें भोजन कराते, उनकी आरती उतारते और सुंदर सुंदर सरस कोमल कांत पदावलियां गा गा कर उन्हें रिझाते। वे जब उनकी सेवा करते तो ऐसा न लगता कि वे केवल चर्म चक्षुओं को दृष्टिगोचर होने वाले शिव ग्रहों की सेवा कर रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा लगता था जैसे प्रत्यक्ष सीताराम जी की सेवा कर रहे हैं। लगता कि वे चिन्मय धाम साकेत में सखी रूप से साक्षात सीताराम जी की सेवा में संलग्न है। और वे जब उन्हें भोजन कराते तो अपने हाथ से एक एक ग्रास उनके मुख में देते, उनके मुख में देकर उनकी प्रसादी के रूप में उसे अलग थाल में रख देते, जो उठाते थे हाथ में उसको फिर अलग थाल में रख देते प्रसादी के रूप में। और श्री अंग में इत्र लगाते तो उनके स्पर्श से उनके शरीर में कंप होने लगता। जब उनकी आरती उतारते तो उनके रूप के दर्शन करके इतना भाव विह्वल हो जाते कि उन्हें अपने आप को संभालना मुश्किल हो जाता था। आरती गाते गाते उनका गला रुंध जाता, नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगते। वे श्री सीताराम के कितना निकट थे इसका पता इस बात से चलता है कि वे उनके मन की बात जान लेते। अक्सर सीताराम जी का प्रसाद ग्रहण किए बिना ही बता देते कि कौन से द्रव्य में उन्होंने कितना पसंद किया है, अर्थात कौन सी वस्तु को, कौन सी व्यंजन को भगवान ने कितना पसंद किया है। प्रोफेसर माधवलाल जी को पता चल जाता था किसमें मीठा या नमक कितना कम और ज्यादा है। वो खाने खाते नहीं थे, बिना खाए बता देते थे भोग लगने पर कि ऐसा ऐसा हमारे प्रभु को अनुभव हुआ है। ये भी बता देते कि उनकी क्या खाने की या क्या पहनने की इच्छा है, अर्थात भगवान को आज क्या भोग लगना चाहिए, हमारे प्रभु क्या चाहते हैं, उनको पता चल जाता था।
उनकी सेवा मधुर भाव की थी और उन्हें भाव सिद्ध था। वे सीताराम जी की अष्टयाम मानसी सेवा किया करते, उनकी मानसी सेवा चलते फिरते भी चलती रहती थी। वे उसमें इतना डूबे रहते कि कभी कभी महाराज साइकिल पर जाते हुए भी उन्हें ऊंचे नीचे रास्ते का ज्ञान न रहता और उनके गिर पड़ने की संभावना रहती। ऐसे में श्री राम जी महाराज जी जैसे सदा उनके आगे पीछे रहते और उनकी रक्षा करते। कभी कभी कॉलेज में प्रयोगशाला में जब छात्र उनकी देखरेख में परीक्षण करते होते, क्योंकि साइंस के फिजिक्स के टीचर थे ना, प्रोफेसर थे फिजिक्स के, तो प्रयोगशाला में भी उनको जाना होता था। तो प्रयोगशाला में जब विद्यार्थी उनकी देखरेख में परीक्षण करते होते तो उनका ऐसा ध्यान लग जाता कि वे चुपचाप एक स्थान पर आंख नीचे करके खड़े रह जाते। विद्यार्थी समझ नहीं पाते कि ऐसे क्यों खड़े हैं। छात्र उनके ध्यान में विघ्न डालने का प्रयत्न करते, कभी लोगों से बात करते करते उनका मन एकाएक श्री सीताराम जी की लीला की ओर मुड़ जाता और उनकी भाव मुद्रा और बातचीत में बदलाव आ जाता था। तो जानकार लोग ये समझ पाते थे कि इस समय कोई प्रभु की लीला में इनका मन फंस गया है। साधारण लोग सांसारिक विषयों से मन को खींचकर प्रभु में लगाने की चेष्टा करते हैं और महाराज तो भी उस सांसारिक विषयों में बार बार चला जाता है और उनके मन की स्वाभाविक गत विषयों की ओर होती। साधारण लोगों की बात मैं कर रहा हूं, पर प्रोफेसर माधोलाल के मन की स्वाभाविक स्थिति प्रभु के चरणों में थी। अपनी सांसारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए जबरदस्ती मन को खींचकर सांसारिक विषयों में लगाना पड़ता था, तो भी उनका मन रिंग बार बार प्रभु के चरण कमलों में जा बैठता था। जैसे भंवरा होता है ना, वो कमल के फूल में चला जाए या पुष्प में किसी में तो दूसरी जगह उड़े भी तो फिर वहीं आता है, ऐसे उनका मन भगवान के चरण में लगा रहता था। प्रोफेसर माधोलाल का अपने प्रोफेसर रूप में रहना मुश्किल होता था। वे रहते सिद्ध सखी रूप में, अपने प्राण श्री जुगल सरकार की सेवा में लगे रहते थे उनके, इसलिए प्रोफेसर या डिमॉन्स्ट्रेटर रूप से अपनी जिम्मेदारी निभाने में कभी कभी चूक पड़ जाती थी और नेचुरल था उनका, जानबूझ के नहीं करते थे ऐसा। और उस समय उनकी जिम्मेदारी निभाने में उनकी भक्तवत्सल सरकार का चूक न करना भी स्वाभाविक था, ठाकुर जी संभालते थे उनको। प्रोफेसर माधोलाल के भक्ति के संस्कार बचपन से ही प्रबल थे, क्योंकि उनका जन्म हुआ था सन 1899 में एक ऐसे कायस्थ परिवार में जो भक्ति से ओतप्रोत था। उनके पितामह गंगा जी के अनन्य भक्त थे, उनको गंगा जी का साक्षात्कार हुआ था। उनके पिता श्री आनंदीलाल माथुर और माता श्रीमती जानकी देवी जी भी उन्हीं की तरह भक्तिभाव संपन्न थे, इसलिए माधोलाल जी पर प्रारंभ से ही भक्ति महारानी की कृपा होना स्वाभाविक था। उन्होंने बचपन से ही प्रभु की शरणागति स्वीकार कर ली थी और प्रत्येक कार्य में पूर्ण रूप से उन पर आश्रित रहना सीख लिया था। पढ़ाई लिखाई में भी वे प्रभु पर ही निर्भर करते, जो पढ़ते प्रभु के सामने बैठकर उन्हें इस प्रकार से सुनाकर पढ़ते जैसे उनकी स्तुति कर रहे हो। यदि पाठ का कुछ अर्थ समझ में न आता तो ठाकुर से ही समझाने को कहते और ठाकुर ऐसी कृपा करते कि वो समझ में भी आ जाता था। सन 1920 में उन्होंने
बीएससी की परीक्षा की, पास किया, और अजमेर के हजबेंड मेमोरियल हाई स्कूल में शिक्षक हो गए। 1923 में उनकी नियुक्ति जयपुर के महाराजा कॉलेज के भौतिक शास्त्र विभाग में डिमॉन्स्ट्रेटर पद पर हुई थी। तभी से वो प्रोफेसर कहलाने लगे, क्योंकि उस समय कॉलेज के सभी अध्यापकों को स्टेट के लोग प्रोफेसर कहा करते थे। कुछ समय बाद वे महाराजा कॉलेज से ही एमए गणित की परीक्षा में बैठे, द्वितीय श्रेणी में पास घोषित किए गए। इस पर कॉलेज के प्रिंसिपल श्री केएल वर्मा को आश्चर्य हुआ। आश्चर्य यह नहीं कि वे द्वितीय श्रेणी में पास हो गए, आश्चर्य यह कि उनका जैसा कुशाग्र बुद्धि का अध्यवसायी व्यक्ति प्रथम श्रेणी में पास नहीं हुआ। उन्होंने समझा कि परीक्षा में कुछ घोटाला अवश्य हुआ है। परीक्षा परिणाम का पुनः मूल्यांकन करने के लिए उन्होंने आगरा यूनिवर्सिटी को लिखा और यूनिवर्सिटी के गणित के प्रोफेसर लोग जो थे उनके एक बोर्ड के द्वारा पुनर्मूल्यांकन के पश्चात उन्हें फिर प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण घोषित किया गया। वास्तव में बहुत प्रथम श्रेणी में घोषित करने के लायक पहले से थे, तो इसीलिए तो शंका हुई कि ये द्वितीय में कैसे आ गए और फिर प्रथम श्रेणी में ही आए हो। माधवलाल जी ने 16 वर्ष की आयु में ही अयोध्या के हनुमत निवास के महंत श्री गोमतीदास जी महाराज से दीक्षा ले रही थी, 16 वर्ष की उम्र में ही, और गोमतीदास जी पर हनुमान जी की विशेष कृपा थी। उन्हें हनुमान जी के सानिध्य और उनकी कृपा का प्रतिफल अनुभव होता रहता था, हर समय अनुभव होता था हनुमान जी का। बहुत ही हनुमान जी का अनुभव होता रहता था भक्तों। तो भक्तों, वो जो माधवलाल जी के गुरुदेव थे गोमतीदास जी महाराज, जो हनुमत निवास के महंत थे, बहुत उच्च कोट के संत थे, प्रोफेसर माधवलाल जी के गुरुदेव जो थे, और उनके विषय में एक अमेरिकन लेखक ने अर्नेस्ट वुड ने, उनका नाम था अर्नेस्ट वुड, उन्होंने लिखा था। वो क्या लिखे थे उन महाराज जी के विषय में अर्नेस्ट वुड ने, उन्होंने लिखा था, ही इज द मैन हु गिव्स एवरीथिंग एंड टेक्स नथिंग। अर्थात वे एक ऐसे व्यक्ति थे जो देते ही देते थे, लेते कुछ भी नहीं थे। अरे गुरुदेव का जो ये लक्षण था, ये माधवलाल जी में भी आया था। माधवलाल जी भी सबको देते ही थे, लेते किसी से कुछ नहीं थे। वे अपने वेतन का अधिकांश भाग साधु वैष्णवों की सेवा में ही खर्च करते थे। सभी संप्रदाय के संत, चाहे वे हिंदू हों, ईसाई या मुसलमान, सबको मानते थे। संत हो बस संत हो, चाहे जो मजहब के हों, वो सब उनको अच्छे लगते थे। वे सबका संग करते, संतों का, किसी मजहब के संतों सबका संग करते, सबकी सेवा के लिए उनका हाथ सदा खुला रहता। और अयोध्या, वृंदावन और चित्रकूट के संत उनके घर भी आते थे, प्राय उनके घर आया करते थे। पर जयपुर के सिद्ध संत मास्टर गंगाबख्श जी से उनका संबंध विशेष था, बहुत निकट का संबंध था, और वे उनका वैसा ही आदर करते जैसा अपने दीक्षा गुरु गोमतीदास जी महाराज का करते थे, ऐसे आदर करते थे। और उनके संग वे नित्य सुबह शाम दोपहर जब भी संभव होता उनका संग करते थे, उसके बिना रह नहीं सकते थे। वे उनके गुरु तुल्य होते हुए भी उनके मार्मिक सखा और सुहृद भी थे, और दोनों एक दूसरे से अपने आंतरिक भजन की बातें कह करके उनका रस लिया करते थे। और एक बात हम आपको बताएं कि कितना संसार से विरक्त थे वो। संसार में थे तो माधवलाल जी प्रोफेसर साहब,
लेकिन विरक्त कितना थे। एक बार अयोध्या जी की बात उनकी मैं आपको सुनाऊं कि संसार में तो भाई धन संपत्ति पर भी ज्यादातर लोगों का ध्यान रहता है, मन रहता है, पर प्रोफेसर माधवलाल जी को पैसे का लोभ छू कर भी नहीं गया था, कभी स्पर्श ही नहीं किया इनके मन को। एक बार जब अयोध्या जी में थे तो उनके पास घर से 300 रुपए का मनी ऑर्डर पहुंचा था उस जमाने में, 300। अभी बात तो लगभग 100 साल पहले की है ना, तो आप सोच लीजिए 300 रुपए की बड़ी कीमत हुई। तो वो 300 रुपए एक महीने के लिए खर्च के लिए पर्याप्त था, और 300 रुपए का मनी ऑर्डर जो आया था वो उसको गिन रहे थे। वो उसी समय जब वो अयोध्या जी में उस समय रह रहे थे तो 300 रुपए आया था मनी ऑर्डर, तो उसको गिन रहे थे एक महीना भर के लिए आ गया खर्चा। और जिस समय गिन रहे थे उसी समय आप पहुंचे अयोध्या जी के संत गुदड़ी बाबा। तो महाराज गुदड़ी बाबा बहुत अच्छे संत थे और प्रोफेसर माधवलाल जी उनको जानते थे, तो उन्होंने पूछा गुदड़ी बाबा ने कि माधवलाल ये रुपया किसका है जो गिन रहे हो। अभी एक महान पुरुष पूछ रहे हैं तो माधवलाल जी ने सहज भक्ति के भाव से कहा कि महाराज जी ये तो आपका है पैसा। तो गुदड़ी वाले बाबा बोले कि अच्छा मेरा है तो मुझे दे दे। तो उसी समय माधवलाल जी ने सब रुपए पूरे के पूरे गुदड़ी बाबा के हाथ में दे दिया, जबकि महीने का खर्चा वही था। अब कुछ उसको देने के बाद एक रुपया भी उनके हाथ में उनके पास नहीं बचने वाला था, लेकिन फिर भी पूरा दे दिया उन्होंने, पूरा पैसा गुदड़ी वाले बाबा को दे दिया। और उन्होंने वे रुपए कनक भवन में गुदड़ी बाबा ने सीताराम जी के विवाह के उत्सव में लगा दिए। गुदड़ी बाबा उस पैसे को अपने पास थोड़े रखने वाले थे। माधवलाल जी प्रोफेसर साहब ने पूरे पैसे गुदड़ी बाबा को दे दिए और गुदड़ी बाबा ने एक पैसा भी नहीं रखा अपने पास। कनक भवन में सीताराम जी के विवाह के उत्सव में पूरा का पूरा पैसा 300 रुपया लगा दिया। 300 आज का नहीं भक्तों, 100 साल पहले की बात है, समझिए। तो माधवलाल जी का पूरा पैसा जो आया था जयपुर से, पूरा का पूरा गुदड़ी बाबा के हाथ में जो उन्होंने दे दिया था, गुदड़ी बाबा ने पूरा कनक भवन के उत्सव में सीताराम जी के विवाह उत्सव में लगा दिया। और ये उनको पता चला माधवलाल जी को कि बाबा के पास पैसा नहीं एक भी, जो मैंने दिया था सबका सब उत्सव में लगा दिया कनक भवन में। अब ये नहीं था कि अगले दिन वापस करेंगे बाबा, वो तो बाबा के पास था ही नहीं। लेकिन जब माधवलाल जी को पता लगा कि पूरा पैसा लग गया कनक भवन के उत्सव में, तो महाराज वे जान करके प्रसन्न हुए। अब आगे खर्चा कैसे महीने भर चलेगा उसकी चिंता उनको नहीं थी, वे ये जानकर प्रसन्न हुए कि उनके सब रुपए भगवान श्री सीताराम जी के विवाह में खर्च हो गए। चेहरे पर शिकन भी नहीं आई कि अब कैसे खर्चा चलेगा महीने भर। सीताराम जी की सेवा हुई उनके संपूर्ण पैसे से, ये जानकर के उनको प्रसन्नता हो गई। ऐसी पवित्र सेवा वाली भक्ति थी उनकी। भगवान का जो भक्त होता है भगवान की सेवा में प्रसन्न होता है। महाराज पूरा का पूरा यही लक्षण था प्रोफेसर माधवलाल जी का, जो घटना मैंने सुनाया उसी समझ में आ जाता है। माधवलाल जी की उपासना में नाम जप मानसी एवं प्रकट सेवा की प्रधानता थी। उनके घर उत्सव भी प्राय होते ही रहते थे, वे राम नवमी, गुरु जयंती और राम जानकी का विवाह उत्सव, ये सब बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। और इसके अतिरिक्त तो दशहरा, दीपावली, बसंत पंचमी, होली, हनुमत जयंती आज के उपलक्ष में भी उत्सवों का आयोजन करते। उन्होंने ही जयपुर में श्री रामानंदाचार्य जी की जयंती प्रतिवर्ष मनाने की नींव डाली थी, और उसके लिए श्री रामानंदी वैष्णव मंडल की स्थापना की। जयंती में 9 दिन मानस पाठ, पद गायन, कीर्तन और संत उपदेश आज का कार्यक्रम चलता। 9वें दिन स्वामी रामानंद जी की सवारी बड़े धूमधाम से निकाली जाती है।
और अंत में गलता जी में उत्सव और संत आराधना के पश्चात पूर्ण आहुति होती थी। इन सभी उत्सवों का उद्देश्य होता अपनी आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ जन साधारण को प्रभु की याद दिलाना और उनमें भक्ति का उन्मेष करना। माधवलाल जी को इन उत्सवों से इतना लगाव था कि वे उत्सव के दिन जयपुर से बाहर होते तो भी सूक्ष्म शरीर से उसमें सम्मिलित होते। एक बार रामानंद जयंती के उत्सव के दिन वे अयोध्या में थे, वहीं से अपने एक वैष्णव मित्र को पत्र लिखा, मैं ठीक समय पर सीताराम जी के मंदिर में पहुंचा था, किंतु वहां किसी को न देखकर लौट आया, कृपया लिखिए क्या उत्सव का समय बदल दिया गया। उस वर्ष सचमुच उत्सव देर से आयोजित किया गया था। ऐसा भक्तों को अनुभव हुआ कि महाराज जी आकर के समय से पहुंच जाते हैं, इसीलिए तो पत्र लिखा था। माधवलाल जी ने जयपुर में एक कीर्तन मंडल की स्थापना भी की थी। कीर्तन मंडल के सदस्य संप्रदायों के भक्तों के घर और उनके उत्सवों में जाकर कीर्तन करते। मंडल का उद्देश्य था कीर्तन का प्रचार करना और कीर्तन के माध्यम से सभी संप्रदायों के भक्तों के सूत्र में बांधना। प्रोफेसर माधवलाल जी स्वयं एक अच्छे कीर्तनिया थे, उन्हें सुर ताल का बड़ा अच्छा ज्ञान था और भाव की तो उनमें कमी थी ही नहीं। इसलिए जब वो कीर्तन करते तो भाव में स्वयं डूब जाते और दूसरे लोगों को भी डुबा देते थे। कभी कभी भावोन्मुख होकर नृत्य करने लग जाते और तुलसीदास जी के बहुत से सुंदर सुंदर पद गाया करते थे। भक्त तुलसीदास जी का एक पद है, कबहू कहो ये रहन रहूंगो, उसमें साधु के रहनी सहनी की बात है। वो प्रोफेसर माधवलाल जी बहुत भाव से गाते थे, कबहू कहो ये रहन रहूंगो, श्री रघुनाथ कृपाल कृपाते संत स्वभाव गहूंगो, कबहू कहूं यही रहन रहूंगो, यथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछुन कहूंगो, परहित निरत निरंतर मन क्रम वचन नेम निभूंगो, कबहू कहूं यही रहन रहूंगो, परुष वचन अति दुसह श्रवण सुने ते ही पावक न दहूंगो, विगत मान सम शीतल मन पर गुण नहीं दोष गहूंगो, परिहरि देह जनित चिंता दुख सुख सम बुद्धि सहूंगो, तुलसीदास प्रभु यही पथ रह के अविचल भक्ति गहूंगो, कबहू कहूं यही रहन रहूंगो। अर्थात इस रहनी सहनी से कब मैं रहूंगा, इस बात को पद में संत स्वभाव ग्रहण करने की जो है, सुख दुख में समबुद्धि रहने की, परहित में निरंतर रहने आदि की बातों को इन्हीं की आकांक्षा प्रकट किया गया है इसमें। और उसकी अक्षरशः पूर्ति का उनका जीवंत ज्वलंत उदाहरण था उनका जीवन जो था। उनमें संतों के सभी लक्षण आदर्श रूप में विराजमान थे माधवलाल जी महाराज प्रोफेसर साहब। वे सुख दुख में सदा सम्मान समभाव से रहते, दुख के पहाड़ को तो जीवन में सदा समान रूप से बिता देते थे, दुख में परेशानी नहीं उनको होती थी मन में। और पता नहीं कितने दुख आए लेकिन उससे विचलित नहीं हुए। उनका प्रथम विवाह हुआ 15 वर्ष की आयु में और 3 वर्ष बाद ही पत्नी का देहांत हो गया। दूसरा विवाह हुआ 18 वर्ष की आयु में, उसे 6 संतान हुए,
पर जीवित बच्ची केवल एक पुत्री रुक्मिणी, वो भी विधवा हो गई थी और उन्हीं के साथ रहती थी। उनका अपना शरीर भी बराबर अस्वस्थ रहता था। इतना सब होते हुए भी उन्हें चिंताग्रस्त कभी किसी ने नहीं देखा। और उनके दुख में उनसे कोई सहानुभूति प्रकट करता तो वे कहते, भाई सुख और दुख तो संसार में लगे ही रहते हैं, पर सुख की अपेक्षा दुख अधिक वर्णीय है, क्योंकि दुख में भगवान की स्मृति जैसी बनी रहती है वैसे सुख में नहीं रहती है। इसीलिए तो बात कही जाती है कि सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय से जाए, और बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम रटाए। दुख में भगवान की जैसी कृपा होती वैसी सुख में नहीं होती। वो कहते थे प्रोफेसर माधवलाल जी कि इसीलिए तो कुंती माता ने भगवान से दुख की प्रार्थना की थी कि हमें दुख चाहिए। महाराज, वे संसार में रहते हुए भी संसार से पूर्ण रूप से अनासक्त थे। संसार का दूसरा नाम आप कह सकते हैं धन संपत्ति सुख, पर ये सब उनको पसंद ही नहीं था। और बड़ी अद्भुत रहनी सहनी थी। मैं आगे उनका चरित्र फिर आपको सुनाऊंगा, आज यही उनको प्रणाम करके विराम कर रहा हूं। श्री राधे राधे राधे, जय श्री राधे।